2019 से लेकर कम से कम आज तक 30-35 बार हाथी आके बहुत सारा एकदम मैंने राशन के खाई दिल टूटा दिला और जितना भी जो राशन वाला में जाए उनके देवे के लिए भी असुविधा हो जाए ना। लेकिन पब्लिक तो नहीं जाने कि हाथी खाई दिल सके तो नहीं जाने ला, लेकिन जे मन राशन देवे ना सेमन के रूप में बहुत सारा आक्रमण हुआ ला। আমরা 2013 সাল থেকে লাইসেন্স পেয়েছি, রিপেয়ারিং করতে হাঁপায় গেছি। এখন আর রিপেয়ারিং করতেছি না, কোনো ডিপার্টমেন্ট থেকে আমরা কোনো সহযোগিতা পাইনি। কত বস্তা চাল নষ্ট করেছে ওরা? 20-22 প্যাকেট চাল হবেই। আচ্ছা, আটা আটা তো মানে চাল কি খেয়েছে ওরা নাকি? আমার কাউন্টিং হিসেবে আমরা দেখতেছি চুরি হয়েছে, খোলা ছিল না পুরা। হ্যাঁ হ্যাঁ, দরজা তো খোলা আছে। আটা কত ব্যাগ? ब्लॉक प्रशासन और वन दफ्तर में को बार बार लिखित आवेदन देने पर भी विभाग एक दूसरे विभाग जिम्मेदारी बोलकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। इसकी भरपाई के लिए साधारण आदिवासी गरीब मजदूर अपनी खुराक अपना राशन की आहुति देकर चुकानी पड़ती है। इस कारण माल न्यूट्रिशन की मामला और ज्यादा उठने की आशंका दिखाई देती है। दोस्तों, नॉर्थ बंगाल में बंद चाय बगान आदिवासी गरीबों के लिए बड़ी समस्या है। सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार चाय बगान क्षेत्र अंत्योदया अन्न योजना AAY के तहत रखा गया है। 35 kg महीना राशन मिलने का नियम है, मगर यहाँ हर महीने 3-4 kg राशन की खुराक काट दी जाती है और यहाँ खुराक कटने से डायरेक्ट उनके पोषण पर असर पड़ता है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को और कई अन्य विकल्प नजर नहीं आता। इस कारण कई बार कई धारक और राशन वितरण करने वालों की लड़ाई हो जाती है। हमन भी वीडियो ऑफिस में जाए के हमन बहुत बार जाना कि ये राशन गोदाम के लिए तो कोनो व्यवस्था का। आज रात में भी हाथी आए रहे, बहुत सारा मतलब बहुत हांजा हाथी आए रहे, खिड़की से दरवाजा से तोड़ के अंदर में ढुक गेलक, अंदर में ढुक के बहुत सारा राशन के खाई देलक, इकर कारण से बहुत समस्या हो गेलक। हमार सरकार से मांग है कि एखन चाय बगान बंद है, चाय बगान कर आदमी मन राशन कर ही ऊपर निर्भर है, सुचारू रूप से मिलक और जितना भी डैमेज या लॉस हो है या चोरी होवेला सेकर देख रेख कर लागून जल्द से जल्द राशन गोदाम कर व्यवस्था हो। मोई लिली कुजूर, वेस्ट बंगाल, नगरकटा ब्लॉक, जलपाईगुड़ी जिला से इंडिया अनहट कर लागून।